नमस्ते। IIIM के अंतर्गत हम लोग हर बार हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्सेज करते हैं टू बिकम अ बिजनेसमैन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आज हम आपको बताएंगे सनी गुप्ता के बारे में। सनी गुप्ता जो इंदौर से हैं, और ये हमारे शो टॉक शो जो हैं उसमें हम लेते हैं ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स को जो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग से होता है, अपने बलबूते अपनी मेहनत से सबसे पहली बार वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। आज हम सनी गुप्ता से जानेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और उन्होंने एक्सपोर्ट तो किया ही है पर मल्टीपल टाइम्स किया है और दो प्रोडक्ट पे किया है। तो हम लोग आज जानेंगे उनसे कि ये क्या प्रोडक्ट्स थी और इतने सारे शॉर्ट टाइम में उन्होंने इतने सारे एक्सपोर्ट्स किए तो कैसे किए, हम जानेंगे सनी गुप्ता से। आप सनी, आप हमें बताइए कि आपको कब से इच्छा हुई एक्सपोर्ट बिजनेस में जाने की। मैम, स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो आई हैव डन बी मैकेनिकल से मैंने इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद फिर मैं अपने डैड के बिज़नेस में था काफ़ी टाइम तक, बट मुझे अपने डैड के बिज़नेस जैसा नहीं करना था क्योंकि मैं अपने डैड के जैसा बनना चाहता था, लेकिन मेरे डैड ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम फ्रॉम द ज़ीरो, और मैं भी उनके जैसे ही बनना चाहता था। मैं अपने डैड के पैसों से स्टार्ट नहीं करना चाहता था कुछ। वेरी गुड। वो मुझे हमेशा कहते रहते थे, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर कोई यही कहता था कि अपने डैड के बिजनेस में आ जाओ, ये सब क्यों कर रहे हो इस टाइप से। हार्डवेयर का बिजनेस है, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं मेरे हिसाब से पैसा लगा के बिजनेस करना कोई बिजनेस नहीं होता, मतलब हर किसी का ओपिनियन है। जिसमें पैसे नहीं लगे, मतलब मेरा तो यही मानना है ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका हो, ऐसा कोई बिजनेस करना चाहिए अपन को। वेरी गुड। तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, उसके बाद फिर कुछ टाइम डैड का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसको ड्रॉप करके मैं कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिसमें मुझे शॉप में बैठ के, मतलब मॉर्निंग 11 टू नाइट 11 तक मेरे को काम नहीं करना पड़े, कोई ऐसी ऐसा जॉब हो मेरा जिसमें ट्रैवलिंग का भी हो और मैं अपने ऑफिस से मेंटेन कर सकूँ, स्टाफ से मेंटेन करवा सकूँ, इस टाइप का बिजनेस। फिर मैंने जब IIIM में आया तो मुझे यहाँ की फैकल्टीज़ वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, और मेरे दोनों जो मेरे अपने मोटिव थे वो दोनों फुलफिल हो गए कि ट्रैवलिंग का भी इसमें काफ़ी अच्छा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। उसके बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको शॉप ओपन करके रखनी है, आप दोनों तरीके से आप जॉब, मतलब अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ऑलराइट जी। और फिर आपने क्या किया आगे, IIIIM का कोर्स कर लिया, फिर प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया? मैंने IIIIM में ही जो मैंने सीखा था, बायर फाइंडिंग, मार्केट फाइंडिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, सब कुछ मैंने उनके अकॉर्डिंग ही किया। जितने भी हमको टूल्स सिखाए गए मैंने सब कुछ उसको यूज़ किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे दिक्कत आई थी, नो डाउट, बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। मैंने एक बार लेक्चर अटेंड किया, कुछ काफ़ी सारे डाउट्स थे तो मैंने दोबारा अटेंड किया। फिर जब मैंने फुली फ्लेज स्टार्ट किया तब 20वें दिन मैंने एक्सपोर्ट कर लिया था। 20वें दिन एक्सपोर्ट कर लिया था। अच्छा, ये कैसे हुआ? जनरली क्या होता है, लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन ऐसे करते हैं जो भेड़ चाल जा रही है उसी में चले जाते हैं, लाइक स्पाइसेस। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने स्पाइसेस ही सिलेक्ट किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे प्रोडक्ट में जाना चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो, मार्जिन अच्छा हो। तो मैंने नोटिस किया फिनिश प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फिनिश प्रोडक्ट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें एडवांस पेमेंट की भी कई बार गारंटी होती है, और मेरा पहले एक्सपोर्ट भी 100% एडवांस में हुआ था। उसका भी रीज़न है मैम, कि उसका रीज़न ये है क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने खुद अपने मैन्युफैक्चरर से बनवाया था, उसको वो प्रोडक्ट उनको पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिल रहा था। और तो आपकी ऐसे बायर के साथ बात हुई थी कि आपको ये इंक्वायरी आई थी? ओके, तो आप बताइए ये प्रोडक्ट के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को। मैम, मैंने ये प्रोडक्ट, मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हैंडल्स और ब्रेक्स थे, वो भी मैंने जर्मनी को एक्सपोर्ट किया था, जो कि जर्मनी ऑलरेडी इतना बड़ा हब है ऑटोमोबाइल का, बट मैंने वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडियन टच दिया था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का यूज़ करके, उनको वो डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने जर्मनी जो कि इतना बड़ा हब है ऑटोमोबाइल का, उन्हीं को एक्सपोर्ट भी किया था मैंने। तो आपने अपनी पढ़ाई जो इंजीनियरिंग में आपने की थी और
एक्सपोर्ट दोनों को मिला के आप आगे बढ़े। सो नो डाउट यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस का तो जवाब ही नहीं, आप तो कॉन्फिडेंट हो ही रहे होंगे ही क्योंकि आपने वो पढ़ा है जी मैम। तो डिजाइन आपने बना दी वो ब्रेक्स एंड हैंडल्स की और फिर आपने वो बनवाया किसी मैकेनिक से? बिल्कुल हाँ, अपने मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से बनवाया। और आप मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं? मैं मर्चेंट हूँ मैम। मर्चेंट एक्सपोर्टर। सो देन आपने इसके बाद सैंपल भेजे? जी जी। अरे वाह, फिर सैंपल भेजे मैम। उसके बाद मेरा जो पहला शिपमेंट था वो $3,000 का था। $3,000 एडवांस पेमेंट, 100% एडवांस पेमेंट थी क्योंकि अगर मैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहा हूँ अगर वो लास्ट में मना कर देंगे तो प्रोडक्ट वेस्ट है। ठीक है, ये फायदा होता है अपने इंडस्ट्रियल सप्लाईज में बोल लीजिए या फिनिश प्रोडक्ट में बोल लीजिए, इसमें आपको एडवांस की गारंटी मिल जाती है। इस वजह से मैंने इस टाइप के प्रोडक्ट सिलेक्ट किए। फिर आगे चल के मैंने और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है। This is what? Packaging product आपने कैसे select की? मतलब क्यों select की और कैसे select की? मैम packaging products में मैं research में नए नए products में मेरे research हमेशा चलते रहता है, आज भी चलते रहता है। Very good। मैं उन्हीं सारे tools से अपने product का research करता हूँ। फिर मैंने जब supplier finding की, supplier से मिलने गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि हमारा supplier जो था वो Jaguar maintain कर रहा था। Jaguar थी उसके पास और वो product था caps। इतनी छोटी सी चीज़ जो पैसों में मिलती है, उन पैसों की चीज़ों को बेच के वो जैगवार मेंटेन कर रहा है, मतलब वाकई इस प्रोडक्ट में दम है। तो इससे मैं इंस्पायर हुआ। फिर मैंने बहुत डीप रिसर्च की, मैंने पैन इंडिया में जितने भी सप्लायर थे सबसे मिल के आया, ट्रेड फेयर्स अटेंड किया। तो भी किस चीज़ की पैकेजिंग मटेरियल? बॉटल पैकेजिंग, बॉटल कैप्स। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मैं ऐसा कहूँ अपने व्यूअर्स को कि आप सप्लायर्स ढूंढने जाते हो, आप प्रोडक्ट ढूंढते हो, तो ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च इज समथिंग विच शुड बी वेरी डीप और वो बहुत ही डेप्थ में करो। उसकी स्प्रेड कहाँ कहाँ है और अगर सप्लायर को देखने जाओ तो देखो कि उनकी कार क्या है। तो इन्होंने जगुआर कार से इन्होंने पता किया कि यार ये जो कैप inspiration, है yeah। हाँ, इंस्पिरेशन के ये कैप बेच के अगर मैन्युफैक्चरिंग करके जगुआर मेंटेन करता है तो हम भी ये इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं और जो टूल्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल ही जो उनको सिखाया गया था वही टूल्स यूज़ किए एंड ही बिकेम सक्सेसफुल। The main point over here is the curiosity and the depth of your research will give you a very good product. So, पहले आप ये research कीजिए product का, उसके बाद आगे बढ़िएगा। Product selection is a must, ma'am. Product selection आपका सबसे strong होना चाहिए और second आपका supplier सबसे strong होना चाहिए। Very अगर good। आपका supplier strong है तो आप export कर लेंगे, supplier strong नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी same scenario हुआ था। एडवांस पेमेंट आ गई थी मेरे दूसरे शिपमेंट में और मेरे सप्लायर ने हाथ खड़े कर दिए थे लास्ट में। उसके बाद मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। देन एंड देयर मुझे टिकट करके हैदराबाद जाना पड़ा। वहाँ पे मैंने दूसरे सप्लायर जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का था उससे मैंने मैन्युफैक्चर करवाया। रेपो की बात आ जाती है अगर आप सामने वाले ने एडवांस पेमेंट दे दी और आप शिपमेंट नहीं निकाल पा रहे तो ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे आप। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कई सप्लायर्स, मतलब 3-4 सप्लायर्स रखो इसी प्रोडक्ट के, तो एक ने अगर आपको डाउन कर दिया है, आपको टाइम पे सप्लाई नहीं दी, तो दूसरे सप्लायर से भी आप कॉन्टैक्ट करें, क्या आप बता पाएंगे ये सही रास्ता है? मेरी एडवाइस है मैम 3-4 नहीं, कम से कम 10-15 सप्लायर्स होने चाहिए। ओके, कम से कम 10-15 सप्लायर्स होने चाहिए। हर किसी के सैंपल्स हमारे हाथ में होने चाहिए, हर किसी के रेट्स हमारे हाथ में होने चाहिए क्योंकि हमसे बाहर हमसे कोई भी इंक्वायरी मांग सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपन से डील कर सकता है। और हम लास्ट टाइम पे ऐसे नहीं हो कि हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं हो। और इवन हर किसी का प्रोडक्शन अलग अलग होता है, प्रोडक्शन उनकी कैपेसिटी अपन को पता होनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मुझे म्यांमार से 47 करोड़ का इंक्वायरी आई है, अभी वो प्रोसेस में चल रही है। 47 करोड़ मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट होता है प्रोडक्शन में भी और किसी एक सप्लायर्स की बस की बात नहीं है ये। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कम से कम 10-15 सप्लायर्स अपने पास होने चाहिए। सही बात है। सो यू शुड हैव, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, यू शुड हैव मल्टीपल सप्लायर्स। हर एक सप्लायर की क्वालिटी भी अलग, हर मैन्युफैक्चरिंग अलग है तो क्वालिटी भी अलग रहेगी। मुझे एक चीज़ बताइए, आपका जो ऑटोमोबाइल का था प्रोडक्ट वो तो आपका खुद का था, आपने खुद ने बनवाया था, तो चलो ठीक है आपने उसके ऊपर नाम कुछ लिखा होगा। बाकी जो आपकी पैकेजिंग एक्सेसरीज में जो आप हैं या बॉटल कैप्स में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो उसमें सप्लायर का नाम जाता है या आपका? नाम हमारा ही जाता है मैडम, सप्लायर का नाम हम नहीं भेजते। बिजनेस करने के अपने अपने तरीके होते हैं, सप्लायर से हमारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप अपना नाम या अपने बॉक्स में कहीं पे भी ऐसी प्रिंटिंग नहीं रखेंगे। आपके बॉक्स अगर जाएगा तो प्लेन जाएगा या हमारे नाम की प्रिंटिंग जाएगी। इससे क्या होता है, अगर सामने वाले ने गलती से भी कहीं पे अपना किसी बॉक्स में अपना प्रिंटिंग रख दी या कोई सा कार्ड छोड़ दिया तो वो बायर अपन से फिर टूट जाएगा, सप्लायर उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो कर लेंगे। आपने सप्लायर को कन्विंस कैसे किया कि वो उनका नाम ना रखे कहीं पर? कर लेते हैं मैडम, ये रिलेशनशिप में आता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी ने स्टार्ट की है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 24 घंटे चलती है, उनको प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, चाहे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ले लें चाहे या डायरेक्ट बायर्स ले लें, तो उनको तो प्रोडक्ट सेल करना है तो वो एग्री कर लेते हैं। कर लेते हैं, इट इज हाउ यू टॉक। या हाउ वी टॉक एंड ऑल बिहेवियर। हर बार इंग्लिश जरूरी रहती है? इंग्लिश फॉर द बायर्स, राइट? हाँ वो तो ठीक है, वो तो स्पैनिश अगर होगा तो हमें थोड़ा बहुत स्पैनिश में भी बात करनी होगी उनसे या ट्रांसलेट करना होगा, पर अबाउट द सप्लायर्स? नो मैम, सप्लायर्स तो हमारे इंडिया के ही सप्लायर्स हैं, लोकल लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट सनी, हमें ये बताइए आपके आपने मल्टीपल एक्सपोर्ट किए हैं तो वो कौन से प्रोडक्ट के किए हैं? इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के किए हैं मैम। ओके, बॉटल कैप्स के मेरे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकल गया लास्ट में, तो बॉटल कैप्स का तो अभी भी मेरा रिसेंटली चल ही रहा है, वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ना। और आपके ऑटो पार्ट्स? ऑटो पार्ट्स का भी अच्छा है मैडम, मेरे को रिपीट शिपमेंट आया था जर्मनी से, ऑटोमोबाइल का ही सेम प्रोडक्ट ही आया था। सो आपने दो बार जर्मनी में किया और ये बॉटल कैप्स का आपने कौन सी कंट्री में? बॉटल कैप्स मैंने टर्की किया है, कनाडा किया है और अपना स्पेन में किया है। ओके, यूरोपियन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आपको कोई चैलेंजेस या दिक्कतें आई एक्सपोर्ट करने में? अगर चैलेंजेस की बात करें मैम तो सबसे टफ मार्केट जो है वो US मार्केट है और उसके बाद यूरोपियन कंट्री में सिर्फ UK मार्केट टफ है। इन दोनों मार्केट के अलावा वर्ल्ड में कोई सा मार्केट टफ नहीं है, तो इनका रीज़न भी है, इन ये क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। लेकिन US या UK में अगर आपने एक बार एंटर कर लिया तो कम से कम 3 साल आपका बायर आपके साथ जुड़ा रहता है, जब तक आपसे गलती ना हो वो आपको छोड़ते नहीं हैं। ये उनके एटिकेट्स होते हैं, बिजनेस एटिकेट्स होते हैं इनके। अभी आप नहीं गए वहाँ? जी नहीं, अभी नहीं गया। ओके, नाउ सनी, सो आपसे अगर हम टिप लें, हमारे व्यूअर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को अगर हमें टिप्स देनी है तो सबसे पहला है कि जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो आप, वो प्रोडक्ट में खूब रिसर्च करो, उसमें बायर किसी का भी सुन के प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं करें। हाँ, किसी की भी सुन के हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं करनी है, हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है, कुछ बेसिस होते हैं उसके कि हमें हम कितने कन्विंस्ड है, हमें कितना नॉलेज है वो प्रोडक्ट के ऊपर। हर कोई यहाँ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने आता है, सनी भी फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने आए, पर उनको तय था कि मुझे एक्सपोर्ट करना ही है, उसके बाद कुछ आता नहीं था। और उनके फादर भी बिजनेसमैन थे तो उनको बिजनेस में तो इंटरेस्ट था ही, पर मुझे बैठे बैठे बिजनेस नहीं करना है, मुझे कुछ इनोवेटिव बिजनेस करना है जिसमें मुझे घूमना भी हो और मेरा बिजनेस भी मेरे बलबूते पे हो, मेरे नॉलेज से बिजनेस हो। बिल्कुल। सो ये इनकी, सनी गुप्ता की एक खासियत हमने देखी कि आपके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम बायर सप्लायर्स से मिलने गए, सप्लायर्स एक नहीं मल्टीपल होने चाहिए। हर एक सप्लायर का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट का हमें सैंपल रखना ही रखना है, बायर तो कुछ भी मांग लेगा। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द क्वालिटी एंड हर सप्लायर की क्वांटिटी की तैयारी कितनी है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए और उसके बाद हमें मार्केट लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंट्री लेनी है उसके बाद, और कंट्री लेने के बाद हमें बायर्स ढूंढने हैं। तो बायर्स में आपको कोई दिक्कत आई? बायर सिलेक्शन में, बायर फाइंडिंग में कोई भी इशू नहीं आता मैम, सबसे बड़ा इशू है उनको कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर कोई बायर इम्पोर्टर है तो उनके सप्लायर्स ऑलरेडी सेट हैं, अब उनको हमें कुल मिला के तोड़ना है, तो मेन इशू वो है। लेकिन हो जाता है, आपको बार बार फॉलो अप लेने पड़ते हैं, आपको सामने पार्टी को दिखाना पड़ेगा कि आप कितने जेन्युइन हैं। ये कैसे दिखाते हो आप? मैडम, अगर बार बार हम उनसे फॉलोअप लेते हैं, कुछ टाइम बाद से फिर हम उनको सैंपल्स भेजना स्टार्ट करते हैं, सैंपल्स के बाद रेट्स भेजना स्टार्ट करते हैं, तो सामने वाले को यकीन हो जाता है अगर हमने सही रेट्स दिए हैं, सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा मार्केट में है, इसको रेट्स के आइडिया हैं, इसको सैंपल्स के आइडिया है।
तो सनी आपने कितने ईमेल्स या कितने फ़ोन कॉल्स किए होंगे पहले जब आपको पहला बायर मिला उससे पहले? मैडम फर्स्ट इंक्वायरी तो मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आई थी। ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायर बिजनेस करने के मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो हम बायर के पास चले जाएं या बायर हमारे पास आ जाए। वेरी गुड। तो हम बायर के पास जाते हैं फ़ोन कॉल और ईमेल मार्केटिंग से, बायर हमारे पास कैसे आता है? ऑनलाइन मार्केटिंग से। तो आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की? ऑनलाइन मार्केटिंग से मैम मैंने जनार्दन सर जो है हमारे ट्रिपल एम फैकल्टी, विजय सिंह सर है हमारे ट्रिपल एम फैकल्टी, इनके गाइडेंस में मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट की थी। बेसिक पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट का प्रमोशन, सब कुछ मैंने इन्हीं से ही सीखा है। और आज भी वेबसाइट प्रमोशंस तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप सर्च कर सकते हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में और टॉप पेजेस में ही मेरा नाम आ जाता है। आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है और आपकी वेबसाइट क्या है, हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए प्लीज़। वेबसाइट का नाम है passageoverseas.com, प्रोडक्ट का नाम है ROPP Caps। ROPP मीन्स रोल ऑन पिल्फर प्रूफ। रोल ऑन पिल्फर प्रूफ, पिल्फर मतलब कोई चोरी ना करे? नॉट लाइक दैट मैम। पिल्फर मींस कि उसमें एक स्पेसिफिकेशन होता है। हाँ, स्पिल ना हो। स्पिल ना हो। ओके। तो मतलब वो स्पिल ना हो, वैसे हमारी आजकल वाटर बॉटल्स भी आती हैं कि उसको उल्टी भी कर दो तो निकले नहीं अंदर से कुछ लिक्विड। बिल्कुल। तो वो वैसे वाली कैप्स कर रहे हैं। और वापस बोलिए आपके ऑटो पार्ट्स का नाम। ऑटो पार्ट्स मैम हैंडक्राफ्टेड एक्चुअली ऑटोमोबाइल ब्रेक्स एंड हैंडल्स। हैंडक्राफ्टेड ऑटोमोबाइल ब्रेक्स एंड हैंडल्स, वेरी गुड, वी वेरी हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस। अभी लास्ट में हमें इतना बता दीजिए कि आपकी पेमेंट टर्म्स कैसी रही और पेमेंट स्मूथ रही? हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। पेमेंट टर्म्स जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, मेरी फर्स्ट शिपमेंट का 100% एडवांस था, सेकंड शिपमेंट का भी 100% एडवांस था। आप तो बहुत लकी हैं। ये लोगों को ऐसा मिथ होता है कि एडवांस नहीं मिलता, आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उसमें आपको कई बार एडवांस मिल जाता है, लेकिन जो जनरली जो बड़े शिपमेंट्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 30-50% एडवांस हमें मिल जाता है। और ये कैप्स वाले बिजनेस में? बिल्कुल। अच्छा, आपको मिल गए तो यू हैव बीन प्लेइंग सेफ, योर ट्रांजैक्शंस हैव बीन वेरी सेफ एंड वो कोई उनको दिक्कत अभी तक नहीं आई। कोई ऐसा रीज़न है कि आपको दिक्कत नहीं? लोग बोलते हैं लकी हैं, ऐसा कोई लक होता है? नहीं, लक नहीं होता मैम। लक होता है तो बहुत पहले ही चमक गया होता। ये मेहनत है जो ये सब चीज़ें होती हैं। मेहनत है, मेहनत है, फोकस है। बिल्कुल। और इसमें नेगोशिएशंस आते होंगे कि आपने कैसे बात की। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि अगर मैं फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हूँ और पता चल जाता है बायर्स को कि मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, और उसके बाद बायर सोचता है कि नहीं इनसे करे या ना करे, वो खुद सोच लेता है ऐसा। अपना पार्टिसिपेंट जो है या अपना ट्रिपल एम का स्टूडेंट है वो खुद, तो ये उनको क्या करना चाहिए कि इसमें? सबसे स्टार्टिंग में तो आप कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हैं। पर वो कैसे बने? मैं ये तो बहुत गलत चीज़ है। ये हमें अपने बायर को नहीं बताना कि वी आर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स। हमें अपने आप को एक MNC के रूप में दिखाना है कि वी आर मल्टी नेशनल कंपनीज, हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी बायर को ये नहीं बताना कि हम एक्सपोर्टर नहीं हैं। तो फिर बोलेंगे क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो आप? सपोज अगर आप फ्रांस में कॉल कर रहे हैं तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हम ऑलरेडी स्पेन में या नेबरिंग कंट्रीज का नाम लेके आप बोल सकते हैं कि हम एक्सपोर्टर ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में। मेरा मानना ऐसा है कि फर्स्ट टाइमर्स एक्सपोर्टर जो होते हैं उनके पहले तो दिमाग में से निकाल देना है कि वो फर्स्ट टाइमर हैं, जैसे सनी जी ने बताया। दूसरा कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी वेबसाइट ही आपकी क्वालिटी और आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बता पाएगी। बिल्कुल। तो आपको कहीं और झूठ का सहारा ना ले, ऐसा मैं बोलूँगी। पर आप ऐसा कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने पूरी प्रोडक्ट रिसर्च की है। बिल्कुल। और उसके बाद ही आप बायर को कन्विंस कर पाएंगे। ऐसा कुछ लॉ नहीं है, ऐसा कुछ नॉर्म नहीं है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में कि आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको बायर नहीं मिलेगा। ये डर ही मन में से निकाल दीजिए, ये सवाल ही मन में से निकाल दीजिएगा। सो सनी, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स? मैम जैसे मैंने पहले बताया, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाह रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट मतलब ट्रिपल एम के स्टूडेंट्स हैं,
उनको यही कहूँगा मैम कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट सिलेक्शन आप प्लीज़ ध्यान से करिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस निकालना, सप्लायर फाइंडिंग ये स्ट्रॉन्ग रखिए, बायर्स तो आपको मिल जाएंगे, बायर फाइंडिंग मार्केट फाइंडिंग ईजी है, उसके बाद फिर आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है, दैट्स इट। ऑल राइट, सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई व्यूअर्स, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि वी आर वेरी थैंकफुल फॉर सनी गुप्ता, वो इंदौर से यहाँ पे आए हैं, इंदौर के हमारे पार्टिसिपेंट रहे हैं IIIM के। और आपको यदि ये प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट आज हम लेके आए हैं जो है ऑटो पार्ट्स और हैं ये बॉटल कैप्स, सो अगर आपको कुछ और सवाल इसमें हैं हमें लिखिएगा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कहीं पता नहीं किसी को ऑटो पार्ट्स का इंटरेस्ट भी हो, एक्सपोर्ट करने में रास्ता ना मिल रहा हो, तो वी आर हियर फॉर दैट, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, आप हमारे लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एट द एंड ऑफ एवरीथिंग द IIIM एग्जिमप्रीन्योर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।